साप कामुड़े चार छात्र छात्री मृत्यु पर जांच पाई गठन है तहसीलदार नेतृत्व में टीम। केन्दुझर जिले में छतु फुटला पड़ी घरोई मेस हॉस्टल और घरोई कोचिंग सेंटर खोली मुनाफा कमाऊता बेले यार सेफ्टी प्रति नजर देना अस्वास्थ्यकर परेश चली सबू अनुष्ठान एथप्रति प्रशासन कौन सी नजर ना फलस्वरूप तीन दिन मध्य दुईट पृथक घटन विषाक्त साप कामुड़े चारज छात्र छात्री मृत्यु दुईज गुरुतर कटक स्थानातरित होगा पर घटना एवं प्रशासन निद हजाई आग को केमी एपरी दुर्घटना न घटव से नहीं जिलापा एक्शन मोड्रे जिले में थी समस्त सरकारी बेसरकारी शिक्षानुष्ठान आवासिक स्कूल किंवा हॉस्टल थिबा कोचिंग सेंटर भित्तिभूमि जांच करने को जिलापाल निर्देश में प्रत्येक ब्लॉक रे स्थानीय तहसीलदार नेतृत्व में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अन्यान्य प्रशासनिक अधिकारी को नहीं स्वतंत्र टीम गठन कर जिलापाल जेकोसी अनुष्ठान छात्र छात्री रोचान सेठे रही उपयुक्त परेश अच्छी ना से नहीं विशेष दृष्टि देवा जिलापाल निर्देश देते। संग्राम मिश्रा रिपोर्ट डर लगुच क्या सात जन को कमे जावासापे डर भी लगुच चारे पी गपत अच्छी भी डर तो लगे ही सफा सुतरा करने चाहिए म्यूनिशिपाल कहते चाहिए बोझे जल्दी सफा करदे से भल हम क्या आमको डर लगुच कत आसीज कत ना पी सप जी अनुष्का मैथ्यू जी बहुत डर है बहुत साफ कोई भी जहरीला जानवर निकल सकता है बिकॉज इतने पेड़ पौधे ऐसे घासेस निकले हुए हैं और यहाँ चलने में भी डर लगता है कब क्या निकल जाए काट ले पता नहीं चलेगा और हॉस्पिटल भी थोड़े दूर है और कब इमरजेंसी में पड़ेगा समझ में नहीं आएगा और आसपास इतने लोग रहते हैं काइंड ऑफ वो लोग भी थोड़े डरे रहते हैं रात में निकलने से अंधेरे में कौन क्या काट ले पता नहीं चलेगा तो हम चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी अपना काम करे और ये सब सारे जो इतने लंबे घास के निकले हुए काट के साफ कर दे। डर लगुचल पैसा बहुत नौ तो आम तो दे पार ना एम गरीब ये दे पार ना पैसा कौन हॉस्टल हॉस्टल तो दे पार ना मेस फेस कौट छोटमोट थे बर्तमान देखा जाए साप कामुड़ी परेश तले सुत निश्चित डर लगुत तो कौन चाहिए कह हॉस्टल भल हॉस्टल कॉलेज देखे मानते चार रास्ता कटे नटा फटा हो सफा हो कौन कह रास्ता तो सफा हवा दरकार सफा तो होना के सफा हो से दिन रात जाइली दुई तीन जन पिला सहित गार्डियन सहित इंटराक्ट कली से स्कूल में किसी पाखापाखी भी पाठ पढ़ुंट रात से पाने को छाड़ से जहाँ मुझे देख ली से प्लाई थी और घास था जोटा कि परेश ठीक ना पिला रही पिलाने सब चटाण से शोले और गोटे खटिया था से खटिया से हेडमास्टर कम अनर जो रिटायर्ड होगापर से यही करे जंगल भितर से रास्ता मैंने खोजी खोजी आम जा पहुँचल अब सेटा एक्चुअली बहुत माने दुखद घटना प्राइवेट कोचिंग सेंटर जेहेतु रेसीडेंशियल से पकोचर जो करमर जो स्कूल गुड़ापी से आम परमिशन दौ कि सेन्टर गुड़ा तो मैंने किसी आम पाखे परमिशन नौ ना नहीं सीटा तो निश्चित भाव से आम से तो आम दौनु ना तेनालीर गार्डियन कनसेंट्रे से रखुच मुन धराश्री पड़ा अनन्या हॉस्टल डीडी कॉलेज रे बीडी रे डिपार्टमेंट रे पढ़ुची डरी चु तो निश्चिंत आम सबुआड़े बर्षा दिन सबुआड़े बण जंगल हो जाए सफा होतु साप मैंने केत जना पड़नी दु तीन जन पा कामुड़ सारे साप आमुक भी केत कामुड़ आम ठीक ठिकना ना तो आम जमी चाहूँ कि कॉलेज ठारू हॉस्टल परिसर जाए जिते सब जगह अच्छी जो बहुत साप गछत अच्छी तो सेटा के सफा कर क्लीन रही आम परेशा जो गैस फैस अच्छी गोटे फिनाइल टाइप लगा
ସେଟା ନବା କଥା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ହଷ୍ଟେଲ ଚାରି ପରିସରଟାକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନ ରହୁ, ଯେମିତି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହୁ। ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜସେବୀ, ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସନ୍ଡେରେ, ତ ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଦିନ 23 ତାରିଖରେ କି ଆମର ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓଜ୍ ଅର୍ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇଛି କି ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ସେମାନେ ନେବେ କି ଝରକା କବାଡ଼କୁ ଭଲ ସିଲ୍ କରିବେ, ଯଦି କାନ୍ଥରେ କିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରିପେୟାରିଂ ଦରକାର, କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି କ୍ରାକ୍ସ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ରିପେୟାର କରିବେ। ନମ୍ବର ଟୁ, ପିଲା କୌଣସି ହାଲତରେ ତଲେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ କି ବରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଟ୍ କରିକି ଭଲ ମାନେ ଶୋଇବା ସେଫ୍ଟିରେ ଏଇଟା କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ଅର୍ ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗା ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବି ଆମର ଅଫିସର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର।